रॉयल गुजरात न्यूज में आपका स्वागत है। आज अहमदाबाद अमराईवाड़ी विधानसभा से एक पत्रकार ने पहला नामांकन भरा है। जी हां, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें, इस पत्रकार ने सभी दिग्गज पार्टियों के सामने अपक्ष से उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है। देखें इस खास रिपोर्ट में। कैमरामैन अरबाज के साथ रिपोर्टर राहुल पांडे, अमराईवाड़ी अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात चुनाव के। गुजरात चुनाव के अंदर सबसे पहले अमराईवाड़ी विधानसभा में एक पत्रकार ने, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के, एक पत्रकार ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। ऐसा तो क्या हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो जनता आज जागरूक हो चुकी है। आज जनता को मालूम है कि हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, जनता के सुख दुख में भागी होना चाहिए। तो जो बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तो करोड़ों रुपये खर्चा करके चुनाव जीतती हैं, लेकिन मेरे पास तो करोड़ों रुपये खर्चा करने के लिए नहीं है। लेकिन मैं जनता के बीच जाऊंगा, उनकी जो भी समस्या है उसको निकाल करने की कोशिश करूंगा और उनसे अपनी बात को बताऊंगा कि मैं इस चुनाव में क्यों आया हूं, आने का मेरा कारण क्या है। इस पर हमारा मुद्दा होगा और इसको हम मेन मुद्दा बनाकर अपनी समस्या को, जो भी जनता की समस्या होगी, अपनी बातों को हम उनके सामने रखेंगे। सर, आप पत्रकार जगत से जुड़े हुए हैं, एक आपका जो, अगर आपका व्यवसाय देखा जाए तो आप एक पत्रकार हैं, तो पत्रकार से ये राजनीति जगत में आने का? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक पत्रकार है और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार। लेकिन अब राजनेता हों कि आम पब्लिक हो, उनको भी अगर हमें सोच ले कि हमें राजनीति में नहीं जाना चाहिए तो गलत बात है। और अगर कुछ लोग अगर पत्रकारिता क्षेत्र राजनीति में आते हैं तो कुछ अच्छी बात है। तो सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखेंगे, ये अपक्ष से आपने फॉर्म भरा है तो कह सकते हैं कि राजनीतिक माहौल के अंदर कुछ न कुछ खलबली मची है अमराईवाड़ी विधानसभा के अंदर, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिसको जो सोचना है सोचे। हमने अपक्ष से उम्मीदवारी किया है और हम शुरू से ही बोल रहे थे कि हमें अपक्षी लड़ना है, हमें किसी पार्टी के बैनर और सिंबल की जरूरत नहीं है। और हमारी जो सोच है उस सोच को हम जनता के बीच लेकर जाएंगे और हम अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे और अगर जनता ने चाहा तो अपना मैंडेट हमें जरूर देगी। चुनावी माहौल के अंदर मुख्य मुद्दा क्या रहेगा आपका? बस हमारा मुख्य मुद्दा है कि जनता की जो समस्या है उसका सही समय पर निकाल हो, हम उनके सुख दुख में जाएं, जो समस्या की, जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनके निकाल के लिए हम तत्पर तैयार हैं, हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। आपने अमराईवाड़ी विधानसभा क्यों चुना, हिंदी वासियों को लेकर? नहीं, अमराईवाड़ी विधानसभा एक मैं जो रहता हूँ, अमराईवाड़ी विधानसभा क्षेत्र है और मैं वहाँ रहता हूँ। आज उस विधानसभा में मुझे 12-15 साल हो गया, इसलिए मैं उस विधानसभा को चुना। अमराईवाड़ी विधानसभा से बड़े बड़े दिग्गज वहाँ चुनावी मैदान के अंदर है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आपको सफलता मिल पाएगी? देखिए, सफलता मिलना न मिलना दो नंबर की बात है, लेकिन जो मेरी सोच है उस सोच को जनता के बीच लेकर जाऊंगा और जनता क्या सोचती है और जनता मुझे अपना कितना साथ देगी वो तो भविष्य के घर में छिपा है। कह सकते हैं कि चुनावी माहौल के अंदर लोग अपक्ष से फॉर्म भरते हैं, कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पे लोगों का कहना इस तरीके से, लोग अपक्ष में फॉर्म भरते हैं किसी न किसी का वोट बैंक काटने के लिए या वोट बैंक की राजनीति जो कहा जाता है अपक्ष से लोग, इसलिए फॉर्म भरते हैं। तो क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, इस बार का चुनाव जो है बहुत ही टिपिकल चुनाव है। इस बार गुजरात की जनता है वो कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे नाखुश हैं और इस बार के चुनाव में ज़्यादातर निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। ये मैं, जहाँ तक मेरा सर्वे है, जहाँ तक मैं लोगों के बीच में गया हूँ, इस हिसाब से इस बार के जो चुनाव है गुजरात विधानसभा के वो बहुत ही मुश्किल है कि किसको कितनी सीट मिलेगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। भाजपा और कांग्रेस, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये दोनों देश की बड़ी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, ये अपने उम्मीदवार अपने हिसाब से उतारेंगी। जो भी उम्मीदवार आएगा मैं उसके सामने अच्छी फाइट करूंगा, चाहे बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से हो।